नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ मद निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई, 50 धंधेबाज गिरफ्तार। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर हजारों डाक कांवरिया बाबा धाम हुए रवाना। हर हर महादेव के नारों से गूंजता रहा कांवरिया मार्ग। छात्र नेता ने टीएमबीयू के प्रति कुलपति पर डाला मोबाइल, आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। कोतवाली चौक के समीप गुब्बारा फुलाने वाला सिलेंडर अचानक हुआ विस्फोट, आधा दर्जन लोग हुए घायल। और अतिक्रमण हटाने गए राजस्व कर्मी पर अवैध कब्जाधारियों ने किया पथराव, कई लोग हुए घायल। अब खबरें विस्तार से। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ मद निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में चार अलग अलग जिला से शराब पीते और शराब कारोबार में संलिप्त 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर मद निषेध अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि मद निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर 3 टीम का गठन किया गया था, जिसमें महिला पुलिसकर्मी समेत मद निषेध के कई अधिकारियों ने छापामारी अभियान के दौरान करीब 24 घंटे में भागलपुर, मुंगेर, नवगछिया और खगड़िया जिला से 50 लोगों की गिरफ्तारी की है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है और छापेमारी के दौरान मद निषेध के 4 वाहन को भी लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि नवगछिया नारायणपुर थाना क्षेत्र के पासी टोला में मद निषेध टीम जब छापेमारी करने पहुंची तो आक्रोशित महिलाओं ने पुलिस एवं मद निषेध टीम पर हमला कर दिया, जिसके बाद मद निषेध टीम ने कार्रवाई करते हुए वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर दिया। इधर मद निषेध अधीक्षक संजय कुमार का कहना है कि शराब कारोबार से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार सभी लोगों को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि घटना में 2 महिला जवान समेत कई पुलिसकर्मी घायल हैं। संयुक्त जिला की अभियान थी, जिसमें खगड़िया, मुंगेर और भागलपुर को नोडल बनाया गया था। 4 जिला मिलकर हम लोगों मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव के निर्देशानुसार हम लोग उस पर कार्य कर रहे थे। सभी जिलों की टीम आई थी, उत्पाद बल मद निषेध उसके अंतर्गत हम लोग काम किए। यहाँ भागलपुर में 3 अनुमंडल सदर, नवगछिया और कहलगांव के लिए अलग अलग टीम बनाई गई थी। सब जगह गिरफ्तारियाँ हुई, कुल गिरफ्तारियाँ 50 हैं, जिसमें 18 बेचने वाले पकड़े गए और शेष 32 पीने वाले पकड़े गए, जिसके अभी तक कार्रवाई न्यायालय भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर तैयारी जोर शोर पर है। सभी श्रद्धालुओं एवं कांवरियों की सुविधा के लिए कई समाजसेवी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कांवरियों को राह में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर सेवा कार्य में लगे हुए हैं। रविवार को एक शानदार नजारा भागलपुर के भोलानाथ पुल के पास देखने को मिला, जहाँ पैदल यात्रा कर रहे कांवरियों की सुगमता के लिए युवा समाजसेवी विजय कुमार यादव द्वारा सड़कों पर मैट बिछाया गया। आपको बता दें कि भोलानाथ पुल बजरंगबली स्थान के पास से करीब 3 किलोमीटर दूर महेशपुर तक मैट लगवाया गया है, जिस पर पैदल यात्रा कर कांवरिया भगवान शिव को जलाभिषेक करने जा रहे हैं। समाजसेवी विजय कुमार यादव ने कहा कि कांवरियों की सेवा पुण्य का काम है। पैदल यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को सड़कों पर चलने में कोई परेशानी ना हो और वे अपनी यात्रा आसानी से कर सके, इसके लिए शहरी इलाकों में करीब 3 किलोमीटर तक मैट बिछाने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा कई स्थानों पर सेवा शिविर भी लगाया गया है, जहां बोल बम जाने वाले कांवरियों को फल, जूस एवं दवाइयों का निशुल्क वितरण किया जा रहा है। वहीं कांवरियों की सुविधा हेतु सभी तरह के सुंदर इंतजाम के लिए लोगों ने विजय यादव की खूब प्रशंसा की। सिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक तरफ जहाँ स्थायी कुलपति की मांग को लेकर छात्र राजद का अनिश्चितकालीन धरना जारी है, वहीं 13 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकेतर कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। इसी कड़ी में रविवार को
टीएमयू के प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार से अंक्रांति सेना और अखिल बिहार छात्र एकता के संयोजक वार्ता करने उनके लालबाग आवास पहुंचे। इस दौरान छात्र नेता ने प्रति कुलपति से हड़ताल समाप्त कराने की बात कही, जिस पर प्रोफेसर रमेश कुमार ने कहा कि स्थायी कुलपति की नियुक्ति राजभवन ही कर सकता है। वहीं वार्ता विफल होने पर अंक्रांति सेना और अखिल बिहार छात्र एकता के संयोजक ने प्रति कुलपति गद्दी कुर्सी छोड़ो का नारा लगाते हुए उन पर मोबाइल डाल दिया। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन से आर पार की लड़ाई की घोषणा भी कर दी। शशीर रंजन सिंह और बम प्रीत ने कहा कि सब्र की सीमा टूट चुकी है, इसलिए विश्वविद्यालय के जो अधिकारी छात्र हित में काम नहीं करेंगे उनके साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा। गौरतलब है कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पिछले 9 दिनों से छात्र राजद के द्वारा प्रशासनिक भवन में अस्थायी कुलपति की मांग को लेकर तालाबंदी कर दी गई है, जिसको लेकर आज अंक्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशीर रंजन सिंह और अखिल बिहार छात्र एकता के संयोजक बम प्रीत प्रोफेसर रमेश कुमार से बंदी का हल निकालने और विश्वविद्यालय को खुलवाने को लेकर वार्ता करने गए थे, लेकिन वार्ता विफल होने के बाद बम प्रीत ने प्रति कुलपति पर मोबाइल डाल दिया। इधर छात्र नेताओं की करतूत से खफा प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार ने प्रॉक्टर प्रोफेसर रतन मंडल को FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया है। प्रति कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय में तालाबंदी के कारण कामकाज ठप है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्र संगठन से वार्ता कर ताला खुलवाने का प्रयास कर रहा है। संयुक्त रूप से अंक्रांति सेना के कार्यकर्ता और अखिल बिहार छात्र एकता के कार्यकर्ता प्रति कुलपति महोदय से बात करने गए थे। हम लोग का जो डिमांड था, सभी डिमांड को हम लोगों ने मजबूती से रखा। उन पे प्रति कुलपति महोदय टाल मटोल की नीति अपनाते रहे, उन पे कोई साफ सुथरी जवाब नहीं दिया। और आप लोग जान ही रहे हैं कि 8 दिन से विश्वविद्यालय में तालाबंदी है, कर्मचारी भी हड़ताल पे है, छात्र संगठन भी तालाबंदी किया है। तो हम लोगों ने प्रति कुलपति महोदय से रिक्वेस्ट किया कि आप वार्ता करने क्यों नहीं जाते हैं। इनमें जो उनकी भाषा की शैली थी, तानाशाह की शैली थी, और कोई भी छात्र का काम नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग इन सब चीज़ों को देखते हुए आज प्रति कुलपति महोदय को काली पोतने का काम किया है। और आज ऐलान करते हैं कि विश्वविद्यालय को बचाने के लिए, छात्राओं के करियर को बचाने के लिए अगर हम लोग को कुर्बानी भी देना पड़ेगा तो उससे पीछे कतई नहीं हटेंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में पिछले 10 दिनों से अराजकता का स्थिति बनी हुई है और यहाँ के पदाधिकारी की कान में जू भी नहीं रेंग रहा है और वो सोए हुए हैं। आज अखिल बिहार छात्र एकता और अंक्रांति सेना के कार्यकर्ता और उनके मुख्य नेता प्रति कुलपति आवास में लगभग 1 बजे मिलने गए। हम लोगों ने, दोनों संगठनों के नेता ने मांग रखा और मजबूती से छात्र हितों की बातों को रखा कि आप जो पिछले 8 दिन से आंदोलन छात्र संगठन है या छात्र नेता, उनसे बात करने के लिए जाइए। तो ये टाल मटोल की नीति और ढुलमुल रवैया, इनको छात्रों से कोई लेना देना ही नहीं, ऐसा जवाब जब दिए तो हम लोगों ने हॉट टॉक किए कि आप जब विश्वविद्यालय में बैठे हुए और विश्वविद्यालय में 4 लाख के छात्रों का कैरियर बर्बाद हो रहा है, किसी को माइग्रेशन प्रोविजनर व अन्य तमाम कागज नहीं मिल रहे और ये इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। नहीं, छात्र नहीं थे, FCC नाम का है लड़का, वो आया था एक दूसरा कोई एंटी सोशल एलिमेंट को लेकर, और अभी के बंदी पर बात हो रही थी तो उसी में हमने कहा कि ये तो जो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट जो डिमांड है वहाँ पर बंदी में लोगों का, वो है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति, तो वाइस चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक है बंद कर रहा है लोग, हम लोग समझा बुझा के हम लोग चाहते हैं बंदी टूट जाए, बच्चों को दिक्कत हो रही है। जितना भी काम था, जितना डिग्री था, वो भी साइन होके आ गया है, वो बंटवाना है, परीक्षा रुकी हुई है, परीक्षा करवाना है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना जल्दी हो स्टेलमेट बंद हो। लेकिन हमें लगता है कि ये लोग एक एजेंडा लेके आया था और आके ये बात चल ही रही थी कि उसने कुछ गंदा चीज़ है मोबाइल भी वो देह पर फेंक के और उसे भाग गया। नहीं, हम लोग ये तो एक तो प्रॉक्टर को हम कहेंगे जिस पर FIR किया जाएगा, और दूसरी बात है जो हमारा बच्चों से वार्ता है जो गेट पर बंद कराए हुए हैं वो हमारी वार्ता होगी। ये इन सब एलिमेंट्स हम घबराने वाले हैं।
भागलपुर कोतवाली चौक के समीप गुब्बारा फुलाने वाले गैस सिलेंडर फटने से 3 युवक बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसे जख्मी हालत में इलाज के लिए भागलपुर मायगन अस्पताल ले जाया गया। दरअसल शनिवार की शाम कोतवाली चौक के पास ततारपुर निवासी राजू अंसारी नामक व्यक्ति गुब्बारा फुलाकर रोजाना की तरह बेचने बैठा था, तभी गुब्बारा फुलाने वाला सिलेंडर काफी गर्म होने के कारण जोरदार आवाज के साथ ब्लास्ट हो गया, जिसके चपेट में आकर पास ही बैठा सब्जी विक्रेता एवं राहगीर घायल हो गया, जबकि राजू अंसारी बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि इस गैस सिलेंडर ब्लास्ट में कई लोग घायल होकर झुलस गए हैं, जिनका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे कोतवाली थानाध्यक्ष घटना का जायजा लिया और आगे की कार्यवाही में जुट गए। इधर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अचानक जोरदार आवाज होने पर जब वे लोग वहां पहुंचे तो देखा कि 2-3 लोग घायल अवस्था में पड़े थे। घायल युवक की पहचान शंकरपुर दियारा बेंटोली निवासी सब्जी विक्रेता विंदेश्वरी महतो के रूप में हुई है। इधर कोतवाली पुलिस ने गुब्बारा व्यवसायी राजू अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि राजू अंसारी बिना लाइसेंस के ही यह व्यवसाय करता था। अभी तक जो प्रथम दृष्टिकोण देखने से लग रहा है ये एक गुब्बारे भरने वाला गैस सिलेंडर की मदद से जो भरते हैं, ये एक आदमी का जो जा रहा था उसका गैस सिलेंडर जो है फट गया। कोतवाली चौक के जस्ट निकल पता है तो वहाँ का ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन रहता है, तो एक दो लोगों को चोट आया है जिन्हें हम अस्पताल में ले जा रहे हैं। कितने लोग घायल हो रहे थे खबर? अभी तक 2 लोगों का पुष्टि हुआ है घायल हुआ है, ज़्यादा इंजरी नहीं लग रहा है। एक तरफ बिहार पुलिस पीपुल्स फ्रेंडली होने का दावा करती है, आम लोगों से अपना दोस्त और सहयोग करने की अपील करती है, अगर वही पुलिस दादागिरी करने लगे तो आप क्या कहेंगे? कुछ ऐसा ही मामला भागलपुर में सामने आया है। घटना कोतवाली चौक के समीप की है, जहां शनिवार की शाम गुब्बारा भरने वाला सिलेंडर ब्लास्ट कर गया था। ब्लास्ट के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी में एक व्यक्ति की लात घूसों से जमकर पिटाई कर दी, लेकिन पुलिस मुखदर्शक बनी रही। हद तो तब हो गई जब लोगों ने सिटी एसपी शुभम आर्य के सामने व्यक्ति को पीटा और फिर पुलिस उसे घसीटते हुए कोतवाली थाने ले गई। यानी भागलपुर में एक बार फिर शर्मसार हुई खाकी। वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि वर्दी के नशे में चूर पुलिस के जवान कैसे गुब्बारा बेचने वाले शख्स को घसीट कर ले जा रही है। इतना ही नहीं, कोई उसे आतंकवादी कह रहा है तो कोई उसकी पिटाई करने पर तुला है। यही कारण है कि बिहार में पुलिस पब्लिक समन्वय की कमी देखी जा रही है। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नवगछे एसडीएम के निर्देश पर ढोलबज्जा थाना क्षेत्र अंतर्गत धोबीनिया पासा में पर्चाधारियों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों को हटाने पहुंचे राजस्व पदाधिकारी नरेश कुमार सेठ और स्थानीय पुलिस पर वहां के कब्जाधारियों ने पथराव कर दिया। जमीन ढोलबज्जा बाजार निवासी निकन मोची की बताई जा रही है, जिस पर धोबीनिया पासा निवासी जनार्दन यादव अपना कब्जा जमा उस पर घर बनाकर रह रहा था, जहाँ निकम मोची के परिवार को जमीन दखल दिलाने ढोलबज्जा पुलिस के साथ नवगछिया पुलिस लाइन से जमीन खाली कराने पहुंचे करीब 30 पुलिस जवानों पर जनार्दन यादव और उसके परिवार बालों के साथ समर्थकों ने पुलिस टीम पर जमकर पत्थरबाजी करते हुए जेसीबी मशीन का शीशा भी तोड़ दिया। वहीं इस घटना में गोपालपुर थाना क्षेत्र के हरिपुर टोला गोसाई निवासी चालक संजय कुमार, कटिहार की महिला सिपाही प्रिया राज, जमुई के नरहट थाना क्षेत्र कुशा गांव की रहने वाली सुषमा कुमारी और जमुई के रजनीश कुमार समेत कई महिला सिपाही भी घायल हो गई है, जबकि इस घटना
में जनार्दन यादव की एक पुत्री भी चोटिल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जमीन खाली कराने पहुंची पुलिस टीम को फंसाने की नीयत से कब्जाधारी जनार्दन यादव के परिवार वालों ने खुद ही अपने घरों में आग लगा दी, जिसके बाद मामला बेकाबू होता देख थानाध्यक्ष प्रभात कुमार और राजस्व पदाधिकारी नितेश कुमार सेठ ने कुछ उपद्रवी पुरुष और महिलाओं को हिरासत में लेकर इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी। वहीं सूचना मिलते ही नवगछिया SDM यतेंद्र कुमार पाल, पुलिस उपाधीक्षक सुनील पांडे, इंस्पेक्टर मार्केंडे सिंह समेत कई थाना के पदाधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां SDM ने माइकिंग कर लोगों को जगह खाली करने की अपील करते हुए लोगों को शांत कराया, जिसके बाद समझा बुझाकर जमीन खाली कराया गया। इसको लेकर नवगछिया CO विश्वास आनंद ने बताया कि 7-8 साल से निकन मोची और जनार्दन यादव के बीच पर्चा वाली जमीन पर विवाद चल रहा था, जबकि जांच के बाद निकन मोची का कागजात सही पाया गया, जिसके बाद लंबे समय से जनार्दन यादव को नोटिस कर जमीन खाली करने को कहा जा रहा था, लेकिन उसने जमीन खाली नहीं किया। वो पर्चा की जमीन थी, सीलिंग के तहत उनको पर्चा मिला था जी। 6-7 साल से वो बेदखल थे उस जमीन पे। कौन थे बेदखल? निकन मोची के परिवार। ठीक। तो जनार्दन यादव ने उन पे अवैध रूप से कब्जा कर रखा था, जिसको आज हटा दिया गया। हटाने से पहले सर उनको सूचना कुछ दिया गया था? जी हाँ, उनको एक दिन पहले नोटिस दी गई थी। पहले भी 7-8 बार उनको नोटिस दिया गया है पिछले 6-7 साल में। उन्होंने स्वयं एक दो बार लिख के दिया है कि मैं 15 दिन के अंदर खाली कर दूंगा, 1 महीने के अंदर खाली कर दूंगा, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया, तो प्रशासन को ये कदम उठाना। मुहर्रम की तैयारी को लेकर सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की बैठक रविवार को भागलपुर गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में हुई। बैठक की अध्यक्षता समाजसेवी वर्दी खान ने की। इस दौरान वर्दी खान ने शांति प्रिय एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण की परंपरा को बनाए रखते हुए त्यौहार को आपसी तालमेल और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अफवाहों से दूर रहें। वहीं सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयोजक डॉक्टर फारूक अली ने कहा कि आज से 12 साल पूर्व सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की पहली बैठक गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में ही हुई थी, इसलिए कमेटी के 12 वर्ष पूरे होने पर बैठक यहां रखी गई। कमेटी के सहसंयोजक प्रोफेसर एजाज अली रोज, मिंटू कलाकार तकी अहमद जावेद और महबूब आलम ने अखाड़ा जुलूस निकालने के लिए जिला प्रशासन से समय पर लाइसेंस निर्गत कराने पर जोर दिया, जबकि जुम्मन अंसारी, सैफुल्ला अंसारी और जियाउल हक ने कहा कि अखाड़ा में बैनर नहीं होने से यह पता नहीं चल पाता है कि वह किस मोहल्ले का अखाड़ा है, इसलिए सभी खलीफा को लगाकर अखाड़ा निकालने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बैठक में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयोजक प्रोफेसर फारूक अली ने कहा कि भागलपुर सौहार्द का शहर है, इसलिए अमन शांति को लेकर हर मुमकिन कोशिश जारी रहेगी। करने का क्या उद्देश्य है? देखिए, सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की स्थापना समाज में पर्व त्योहार को लेकर के जो पूर्व में भागलपुर में स्थिति थी, एक भय का माहौल बनता था, खौफ का स्थिति बनती थी, तो विशेष रूप से जो वो धार्मिक जुलूस जिसमें हथियारबंद लोग होते हैं, उसमें लोगों में एक खास तौर पे दहशत होती थी, जिसको दूर करने के लिए सेंट्रल मुहर्रम कमेटी की स्थापना हुई और ये पहली बैठक गांधी शांति प्रतिष्ठान में हुई थी और 12 साल बाद आज ये बैठक फिर यहाँ पर हो रही है। मैं आपके माध्यम से समाज को कहना चाहूँगा कि मुहर्रम जो है वो सत्य, निष्ठा और बलिदान का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है, शहादत को उजागर करता है, तो इन तमाम चीज़ों को जो हमारे अकीदतमंद हैं, जो मनाना चाहते हैं या जो मनाते हैं, वे सामाजिक सद्भाव, समरसता, सादगी और साथ ही साथ शहादत को याद, हसन हुसैन के शहादत को याद करते हुए मनाएं, और अगर वे उड़ियानियत करते हैं, अगर वे माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं सड़कों पर, तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा, न तो मेरा शासन बर्दाश्त करेगा, न भागलपुर की जनता बर्दाश्त करेगी। इसलिए मुहर्रम कमेटी के माध्यम से मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो जुलूस निकालें तो लाइसेंस लें, जो सरकारी प्रक्रिया है उसको अपनाएं और पूर्व में लाइसेंस का आवेदन करें, साथ ही साथ जो विधि विधान है तो उसको फॉलो करें। बिहार झारखंड बॉर्डर स्थित भागलपुर के पिपैती थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहबाद मिर्जा चौकी के रास्ते दुबौली गांव होकर लगातार ओवरलोड ट्रैक्टरों का परिचालन धड़ल्ले से जारी है। इस ग्रामीण सड़क से होकर प्रतिदिन सैकड़ों ओवरलोड ट्रैक्टर दौड़ती है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले की जानकारी थाना प्रभारी को भी दी गई है, लेकिन बावजूद इसके परिचालन नहीं रुक रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि ओवरलोड
ट्रैक्टरों के परिचालन की वजह से गांव की सड़क जगह जगह टूट रही है, जिससे सभी ग्रामीणों और इस मार्ग से आवागमन करने वालों को क्षति पहुंच रही है। साथ ही कहा कि छोटे छोटे बच्चे को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है और स्थानीय पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मिर्जा चौकी से 80 होकर ट्रैक्टर से छर्री, गिट्टी और छाई लेकर पिपैती की ओर जाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर ट्रैक्टर चालक को वैरियर पास करने में रुपये देने के साथ माइनिंग चालान लेना पड़ेगा और किसी भी ट्रैक्टर वाले के पास चालान नहीं मिलेगा। इसलिए ये सभी ट्रैक्टर अवैध कारोबार के लिए ग्रामीण सड़क का इस्तेमाल करते हुए ओवरलोड ट्रैक्टर लेकर आसानी से निकल जाते हैं। हालांकि इस मामले की जानकारी होने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करना पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करती है। बच्चा है, कल मान लीजिए प्रिय घटना हो जाएगा, बगल में कोचिंग है, आरडी कोचिंग सेंटर शाहबाद है, कल बच्चा दबा जाएगा, किसी का बच्चा हो, मेरा बच्चा हो, आपका बच्चा हो, इसका जवाबदेही कौन लेगा? हाई स्कूल भी आगे पड़ता है। ग्रामीण सड़क में 100 ट्रैक्टर चलने का है, रोज प्रतिदिन 100 ट्रैक्टर है। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के बटराहक पार्ट नंबर 25 के रहने वाले एक युवक ने घर से पैसे नहीं मिलने से आक्रोशित होकर अपने सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक युवक की पहचान आकाश यादव के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक आकाश यादव ने अपनी माँ से किसी काम के लिए 2000 रुपये की मांग की थी, लेकिन उसकी माँ ने आकाश को 1000 रुपये देने की बात कही, जिस पर आकाश ने 2000 रुपया नहीं देने पर मां को खुदकुशी करने की धमकी दी। वहीं मां ने जब रुपये देने से इनकार कर दिया तो युवक ने अपने पास रखे देशी कट्टे से अपने सिर में गोली मार ली, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक का आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है, जबकि उसने पिछले दिनों सदर थाना क्षेत्र के मारूफगंज रोड स्थित एक कपड़ा व्यवसायी से रंगदारी की मांग की थी और कपड़ा व्यवसायी द्वारा रंगदारी नहीं देने पर आकाश ने व्यवसायी को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। पुलिस ने बताया कि मृतक आकाश रंगदारी की घटना के कांड में वांटेड था, जबकि मौके से एक देशी कट्टा भी बरामद हुआ है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी मिली माँ से पैसा 2000 रुपए मांगे थे, जिसमे उसकी माँ 1000 रुपए व्यवस्था किए थे, उसके बाद जो है 1000 नहीं व्यवस्था होने के बाद जो है वो अपने आप गोली मार। किस चीज़ के लिए पैसा मांगा जा रहा था, क्या कुछ काम? कोई काम हो। थाना अध्यक्ष महोदय को सूचना मिली कि बटराहा वार्ड नंबर 25 में कोई व्यक्ति अपने से गोली मार के सुसाइड कर लिया है। इसके सत्यापन के लिए हम लोग को भेजा गया। जब यहाँ पे आए तो देखते हैं कि यहाँ पे एक आकाश यादव, बाबू जी का नाम वासुदेव यादव, बाबू यादव जो है वो खून से लथपथ है और वो लोगों ने बताया कि और स्वयं गोली मार दिया उसके अपना पारिवारिक विवाद लेकर। नारायणपुर प्रखंड के बिरबन्ना गांव में शनिवार को उत्पाद विभाग की टीम ने इंस्पेक्टर चंदन कुमार के नेतृत्व में एस ड्राइव अभियान के तहत छापेमारी की। बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि बिरबन्ना चौक के पास एक दुकान में नीरा बेचने की आड़ में दुकानदार द्वारा चोरी छिपे शराब की बिक्री की जाती है। वहीं छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने 3 व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। इसके बाद गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार वालों ने अपनी टटिया की दुकान तोड़कर उसे सड़क पर रखकर रोड जाम कर दिया, जबकि परिवार की कुछ महिलाएं भवानीपुर थाना पहुंची और थानेदार से न्याय की गुहार लगाई। इधर सड़क जाम की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष रमेश कुमार दलवल के साथ मौके पर पहुंचे और रोड जाम कर रहे लोगों को समझा बुझा कर जाम हटवाया। बता दें कि बिरबन्ना में 2 माह पहले भी उत्पाद विभाग की टीम ने शराब बेचने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ मद्य निषेध विभाग की बड़ी कार्रवाई, 50 धंधेबाज गिरफ्तार। सावन की दूसरी सोमवारी को लेकर हजारों डाक कांवरिया बाबा धाम हुए रवाना, हर हर महादेव के नारों से गूंजता रहा कांवरिया मार्ग। छात्र नेता ने टीएमबीयू के प्रति कुलपति पर डाला मोबाइल, आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। कोतवाली चौक के समीप गुब्बारा फुलाने वाला सिलेंडर अचानक हुआ विस्फोट, आधा दर्जन लोग हुए घायल। और अतिक्रमण हटाने गए राजस्व कर्मी पर अवैध कब्जाधारियों ने किया पथराव, कई लोग हुए घायल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।